लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज प्लैनेट समाचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, समाचार ग्रह में आपका स्वागत है। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर थाना कोतवाली शहर में तैनात रहे सिपाही पर एक नाबालिग युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी सिपाही मुरादाबाद में तैनात है। दरअसल बिजनौर में खाकी वर्दी को दागदार करने वाला मामला सामने आया है। थाना कोतवाली शहर में रहने वाली एक महिला ने बिजनौर थाने में तैनात मनोज नाम के पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि मेरे पति से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें मनोज रस्तोगी ने मदद का भरोसा दिलाकर हमारे घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मनोज रस्तोगी हमारे परिवार में घुल मिल गया था और लगातार हमारे घर पर आने जाने लगा था। पीड़िता ने बताया कि 11 सितंबर को मनोज रस्तोगी मेरे घर पर आया और हमारे कमरे में घुसकर मेरी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत थाने में की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर में पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने संगीन धाराओं में आरोपी पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही फिलहाल मुरादाबाद में तैनात है। बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज रस्तोगी, जो पहले बिजनौर जनपद में तैनात है, एक साल पहले ट्रांसफ़र हुआ है। महिला थाने में तैनाती के दौरान एक महिला अपनी पारिवारिक पति से विवाद को समस्या को लेकर के आई थी। समस्या सुलझाने के दौरान इन मनोज रस्तोगी उस महिला में काफ़ी प्रगाढ़ता नज़दीकी संबंध हो गए और पिछले 10 साल से इनके संबंध थे। किसी बात को लेकर के इनमें नाइतफाकी हुई, विवाद हुआ। यद्यपि इन लोगों ने समझौते का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन महिला ने आरोप लगातार किया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और उसकी नाबालिग बेटी है उसके साथ भी यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। इसके तहत कोतवाली बिजनौर में एक अभियोग पंजीकृत है 376/511/504/506 पॉक्सो एक्ट के तहत। 7 संकलन किया जा रहा है। SSP मुरादाबाद को पत्राचार करके अवगत कराया जा चुका है। आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई।